भारतीय विज्ञान कांग्रेस विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कुंभ मेला कहा जाने वाले राष्ट्रसंत तुकड़ूजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कोने कोने में संग्रहित ज्ञान के खजाने की एक प्रदर्शनी है। सुनना हो तो आश्चर्य करो, देखना हो तो आश्चर्य करो, अनुभव करना हो तो विज्ञान का वातावरण अनुभव करो, ऐसा प्राइड ऑफ इंडिया 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस सम्मेलन आम जनता के लिए खुला है। इस एक्सपो में छात्रों द्वारा भारी संख्या में प्रतिसाद मिल रहा है। हमारी टीम ने यहाँ आए छात्रों संवाद साधा, आइए देखते हैं क्या कहा है छात्रों ने। हॅलो, मी मिसेस मंजुषा डोंगरवार, मी सिद्धेश्वर हायस्कूलमधून आलेलो आहे आणि आमचा हा जो आजचा एक्सपिरियन्स होता तो अमेझिंग होता। मुलांसाठी मुलांना शिकण्यासाठी खूप जास्त इथे म्हणजे मुलांना खूप अनुभव आहे घेण्यासारखे इथे, आणि आज नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी बघून आम्ही पण थक्क झालो आहे की खरंच आपला देश खूप जास्त विकसित झालेला आहे। मला तर खूप छान अनुभव आलेला इथे। मेरा नाम ओम सुभाष उबाडे, हम सिद्धेश्वर विद्यालय से आए, अभी सिद्धेश्वर विद्यालय से आए हैं। यहाँ पे इंडियन साइंस कांग्रेस में एकदम मस्त सब है, आप टेक्नोलॉजी के बारे में सब दिया गया, एग्रीकल्चर फूड वगैरह सब है। यहाँ पे DRDO भी है, इंडियन एयरफोर्स के बारे में सब है। हमें पहले बार देख रहे, एक्सपीरियंस पहली बार किया है टेक्नोलॉजी के बारे में, और सब टेक्नोलॉजी DRDO। अभी हमें भी यहाँ पे इंस्पिरेशन मिला है कि हम भी कुछ प्रोजेक्ट यहाँ से बना सकते हैं, और थैंक यू। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस का जो इसका इनोग्रेशन हाल ही में PM मोदी के हाथों हुआ है, और आप देख पा रहे हो कि यहाँ कई स्टॉल यहाँ लगे हैं, और हमारे साथ जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कई यहाँ लोग जो है ये साइंस कांग्रेस का जो देखने आए हैं। आप देख पा रहे हो कि यहाँ कई स्टॉल लगे हैं, इसरो का एक स्टॉल है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा स्टॉल है, फार्मिंग से जुड़ा स्टॉल है, तो ये सब स्टॉल देखने यहाँ स्टूडेंट आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने यहाँ क्या देखा और क्या उन्हें अच्छा। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा है। हम अभी भी डेटा साइंस स्टूडेंट है RTMNU यूनिवर्सिटी से, और हमने देखा कि डेटा साइंस कितने सारे फील्ड्स में एप्लीकेबल है। हमने काफ़ी सारे यहाँ पे रोबोट्स देखे, मशीन्स देखी है, और काफ़ी एप्लीकेशंस तक देखे हम लोगों ने। इवन हम कुछ कंपनीज है जो माइनिंग से रिलेटेड कुछ काम वगैरह करती है, इनोवेशंस वगैरह कुछ जो कुछ भी टेक्नोलॉजी होगी वो सब बनाती है। हमने वो सब देखा, कुछ सीखा, और इवन हम लोग कुछ नए डिफरेंट कंपनीज को भी कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं यहाँ से, कि अगर हमें फ्यूचर में जाके कहीं जॉब अगर अप्लाई करना होगा, और काफ़ी इनोवेटिव कंपनीज है तो हम लोग को आइडियाज़ भी मिल रहे हैं कि हम लोग किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। इवन हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं यहाँ के कंपनीज के साथ कि इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम लोग क्या सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा साइंस एग्जीबिशन है ये, और काफ़ी नॉलेज भी गेन किया हम लोगों ने, और इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आए यहाँ पर। इवन कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, इन लोगों ने भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट लाए और काफ़ी बड़े लेवल तक, और ऐसे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका अलग सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी देखा कि रेफ्रिजरेटर से बिल कैसे कम कर सकते हैं, इवन इस टाइप के, और कैमरा से कैसे हम लोग वेट डिटेक्ट कर सकते हैं किसी ट्रक का, या फिर कोल का जितना साइज़ है हम लोग क्वांटिटी वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सभी को आना चाहिए यहाँ पर। काफ़ी हेल्पफुल आपको जो है नॉलेज यहाँ पे मिला है, जिससे आपको मतलब बहुत ही गेन आपने नॉलेज किया ऐसा लग रहा है। आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स हैं ये, हाँ। जो आप ही के फैकल्टी के हैं, तो क्या क्या आपने देखा अभी तक और क्या मतलब अच्छा लगा है उसमें से आपको? हम लोग तो अभी गए थे, हम लोगों ने DRDO का देखा है, तो DRDO ने तो बहुत मतलब इतना ज़बरदस्त उन्होंने यहाँ पे लगाया है एक्सपो में अपना एग्जीबिशन, कि मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को, और एक चीज़ ने तो मतलब इतना इंस्पायर किया कि वो जैसे कि हाई अल्टीट्यूड होता है, जैसे आपको भी मालूम होगा जैसे CIAChin वगैरह हो गया, तो वहाँ पे वो काफ़ी टफ पोस्टिंग मानी जाती है, और वहाँ पे अगर कभी किसी को कुछ हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है ऐसे कि पूरा सिर्फ 10 किलो वजन है उसका, लेकिन वो पूरा चेंबर वो बना सकते हैं जगह पे, और वो चेंबर से मतलब पूरा स्टेबलाइज करने के लिए टेम्परेचर और ऑक्सीजन स्टेबलाइजेशन के लिए, तो मतलब वो काफ़ी बढ़िया है। और उन्होंने गैजेट्स भी बहुत अच्छे रखे, ड्रोन वगैरह भी बहुत बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से तो हम लोगों ने अभी देखा तो DRDO का तो अभी तक के हमको बेस्ट लगा है, कि मतलब और बाकी और भी बहुत कुछ यहाँ पे भी हमने देखा, एडमिशन के इंक्वायरी वगैरह और बाकी के साइंस एक्सपो, जैसे कि ICMR ने लगाया, ICMR ने भी बहुत अच्छा लगाया है, वो अवेयरनेस बांट रहे हैं कि डेंगू के लिए कौन से मॉस्किटोज वो होते हैं, और अपना चिकनगुनिया के लिए कौन से होते हैं, मलेरिया के लिए कौन से, तो अलग अलग मॉस्किटोज के बारे में उन्होंने अवेयरनेस की, तो ओवरऑल तो यहाँ पे
काफ़ी अच्छे डिसेंट कैंप्स लगे हुए हैं मैम। और एक्चुअली हम बोले तो जो इन्फॉर्मेशन हमको बहुत कुछ पता नहीं चलता, जैसे आर्मी के जो वेपन्स है मिसाइल्स है उसके बारे में हमको ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, और ये जो इन्होंने लगाया उसके हिसाब से हमें मतलब बहुत सी इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, और जो नागपुर में हुआ सबसे अच्छा, मतलब बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है, इन्होंने जो देखा है DRDO का जो इन्होंने एग्जीबिशन में स्टॉल देखा है वहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छी जानकारी इन्हें हासिल हुई। इसके साथ ही कई ऐसे स्टॉल पे ये गए हैं जहाँ अवेयरनेस हो या और इनोवेशंस हो उन्हें देखने मिले हैं और वहाँ से उन्हें कुछ सीखने भी मिला है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।